मुनिराज की, उत्तम तप धर्म की। भव्य बंधु, हम सभी आत्मा को पावन करने के लिए इस परिषद महामहोत्सव में एकत्रित हुए हैं। भगवान ऋषभदेव का पावन सानिध्य, गुरु की चरण निश्रा और जिनवाणी का उद्घोष, जहाँ कभी एक ही मिले तो व्यक्ति पुलकित हो जाता है। आज आप सभी का कितना महान सौभाग्य है, देव, शास्त्र और गुरु तीनों हमें एक साथ एक स्थान पर मिले हैं। यह रत्नत्रय की त्रिवेणी आत्मा को पावन करने के लिए परमावश्यक है। आज कौन सा धर्म है? उत्तम तप। तप के लिए है, जिनवाणी में कहा है, कर्म क्षयार्थ तप्यते इति तपाहा। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि में लिखते हैं कि जो कर्म क्षय के लिए तपस्या की जाती है वह तप है। सुप्रीम ऑस्ट्रिटी, द ऑब्जर्वेंस ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द कर्मास कॉन्स्टिट्यूट्स सुप्रीम ऑस्ट्रिटी। हीट, आपकी भाषा में हीट देना। एक सुनार स्वर्ण पाषाण को हीट देकर प्योर गोल्ड में परिवर्तित कर लेता है, वही सोना स्वर्ण पाषाण जो कभी किसी खान में, खदान में, धरती के नीचे दबा हुआ था, वही जब तप कर पवित्र हो जाता है तो किसी माँ के गले का हार बनता है। यह तपस्या का ही प्रभाव समझना कि जब एक स्वर्ण पाषाण पत्थर स्वर्णता, शुद्ध स्वर्णता को तप के द्वारा शुद्धता को प्राप्त होता है, ऐसे ही चतुर्गति में भ्रमण करता हुआ जीव देव, शास्त्र और गुरु के नियोग से उत्तम तप धर्म को अंगीकार करता हुआ शुद्धात्मा सिद्धात्मा हो जाता है। यह उत्तम तप का प्रभाव मानना। जो तप तपे खपे अभिलाषा। आप लोग 10 दिन से पूजा कर रहे हैं ना, दूसरी लाइन सुनाओ सभी एक साथ। चूरे कर्म, ये तप का तप की महिमा है। तप की महिमा अपरंपार है। तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, अनशन अवमोदर्य रस परित्याग वृत्ति परिसंख्यान काय क्लेशा तपा। तप अर्थात अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना, द कंट्रोल अवर डिजायर्स इज कॉल्ड तप। जितनी जितनी अंशों में, जितने अंशों में हमारी इच्छाएं नियंत्रित होती हैं, उतनी हमारी मानसिक शांति बढ़ती है, आत्मा की विशुद्धि बढ़ती है और परिणाम उज्जवल होते हैं। एक बार दो भाई थे, वे दोनों भाई अपने गृहस्थी के जंजाल से उदासीन होकर आपस में चर्चा करते हैं कि इस गृहस्थी में परिजनों को तृप्त करते करते हम बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन इनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है। आत्मानुशासन में आचार्य भगवान गुणभद्र स्वामी लिखते हैं कि व्यक्ति की इच्छाओं का गड्ढा इतना विशाल है, पहाड़े जी कितना विशाल है, इतना विशाल है कि सारे संसार की सारी वस्तुएं उसमें मिला दी जाए तो वह अणु मात्र भी
भरता नहीं है। तो उस इच्छाओं को तो हम पूर्ति नहीं कर सकते, वे दोनों गृहस्थी से विरक्त होते हैं। उनमें से एक भाई एक तापसी के पास जाता है। वह तापसी यज्ञ हवन और मंत्र साधना आदि के माध्यम से लोगों में प्रभावित करता है। मिथ्या देवों की उपासना आदि के माध्यम से वो चमत्कार दिखाता और लोग उससे प्रभावित होते। वो बड़ा भाई उससे प्रभावित, वो भाई उस तापसी से प्रभावित हो गया और उसने उनका उनका शिष्य बन गया। छोटा भाई एक दिगंबर मुनिराज के चरणों में जाता है। वह मुनिराज के श्री चरणों में निवेदन करता है, जैसे आप सब लोग हाथ जोड़कर आचार्य श्री के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि नहीं। भिंड से देखो कितने सारे लोग यहां पर आए हैं। यही भक्ति की भावना ही व्यक्ति को भगवान बना देती है। जितने जितने अंशों में प्रतिमाओं में कभी चमत्कार नहीं होता, हम जाते हैं कि इन प्रतिमाओं में बहुत चमत्कार है। लोक में यही कहा जाता है, वास्तव में हमारी श्रद्धा में जितनी उज्ज्वलता आती है, पवित्रता आती है, हमारे अंतरंग के दोषों को कहने के जितने हमारे परिणाम उज्ज्वल होते हैं, उतनी हमारी हमारा विश्वास ही चमत्कार उत्पन्न करा देता है। तो वो दोनों भाई, एक भाई तापसी के पास जाता है, तापसी ने उसे भस्म दी और कहा कि ये भस्म तुम्हें सिद्ध करनी है। वह यज्ञ हवन मंत्र साधना आदि के माध्यम से कुतप तपता हुआ करता गया। 12 वर्ष हो गए। इधर शुभचंद्र दिगंबर मुनिराज के चरणों में वो गए और उन्होंने अपने वैराग्य भावों को प्रदर्शित किया। गुरु ने उन्हें आशीष दिया। ये गुरु का वात्सल्य है। देखो गुरु का वात्सल्य कितना महान होता है। वह अच्छे लोगों को तो रख ही लेते हैं, लेकिन जो बुरे परिवेश से आया हुआ जीव भी क्यों ना हो, उसे भी रखकर उसे सोना बना देते हैं। आप सबने पाय सागर जी मुनिराज की कथा सुनी होगी। वे अपने जीवन में अनेक गृहस्थ अवस्था में वो एक्टर थे, अनेक अभिनेता मंच पर वो बहुत सारी कॉमेडीज आदि एक्टिंग करते थे। कुछ समय बाद वो तापसी बन गए, किसी वाराणसी आदि अनेक जगह पर जाकर के अन्य संप्रदाय के साधु बन गए। कहीं पर उनका मन नहीं लगा, वापस अपने गांव लौट गए और गांव में उन्होंने क्या चालू कर दिया, गुंडागिरी। सारे गांव के लोग उनसे थर थर कांपते थे कि अरे ये व्यक्ति आ गया, मतलब कुछ न कुछ किसी का बिगाड़ होने वाला है। सहसा उन्हीं के गांव में आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का आगमन हुआ और वो व्यक्ति सामने आ गया। सब लोग अब कल्पना करने लगे कि क्या होगा, पता नहीं ये क्या कुछ पत्थर उठा के ना मार दे या कुछ करने ना लग जाए। आचार्य महाराज दूरदर्शी थे, उन्होंने गुरुओं की ये अनुकंपा होती है, वे कंकर को भी शंकर बना देते हैं। उन्होंने उसी व्यक्ति को अपना कमंडल पकड़ा दिया और उसे बोला चलो साथ में। वो कमंडल लेके चलने लगा और पीछे लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये कमंडल लेके कहीं भाग ना जाए। उस व्यक्ति ने वो एक स्थान पर बैठे आचार्य महाराज और बोले कमंडल रख दो, रख दिया। अब उससे नमोस्तु किया और उसने वो महाराज जी के तप त्याग तपस्या से इतना प्रभावित हुआ कि उसने बोला महाराज जी आपने अच्छे लोगों का तो बहुत कल्याण किया है, हम जैसे पापी का भी कल्याण कर दो। उसके भाव बने और आचार्य महाराज ने उसे परखा और कुछ समय में उसे ब्रह्मचर्य व्रत प्रदान किया।
सारे के सारे गांव के लोग ऑब्जेक्शन करने लग गए कि बोले महाराज जी आप किसको व्रत दे रहे हैं, इसका भरोसा नहीं सुबह कुछ और शाम को कुछ होता है यह। लेकिन आचार्य महाराज की दूरदर्शिता देखो, वे उस व्यक्ति ने आचार्य महाराज जी के सानिध्य में उनके त्याग तपस्या व्रत की इतना प्रभाव हुआ कि वे वो व्यक्ति मुनि पाय सागर आगे जाकर के आचार्य पाय सागर बने और महाव्रत धारण करके उनकी इतनी कठोर तपस्या की, वे चलते चलते कहीं भी रास्ते में एक स्थान पर खड़े होकर के तपस्या करने लग जाते, आहार करते करते रुक जाते और उनकी आंखों से आंसू आ जाते। तो लोग पूछते हैं आहार के बाद उनसे पूछा कि महाराज जी आपकी आंखों में क्यों बार बार कहीं कहीं आपकी आंखें गीली हो जाती है, क्या बात है? तो बोलते हैं कि मुझे अपने पापी व्यक्तित्व का ध्यान आ जाता है कि मुझ जैसे पापी को गुरु का आशीर्वाद मिला, आज देखो मेरी आत्मा कितनी पवित्र हो चुकी है। उनका आशीर्वाद का ये विश्वास है कि मेरी ये आत्मा एक दिन नियम से परमात्मा बनेगी। तो ये इसी तरह एक बार आचार्य श्री भोपाल में, अपने आचार्य श्री भगवान भोपाल में जा रहे थे और वहाँ पर अपने संग सहित जा रहे थे, तो बहुत सारे लोग, शायद शंकर नगर की बात है, बहुत सारे लोग हाथ में पत्थर, कोई बर्छी भाला आदि लेकर के सामने से चर्चा करने लगे कि ये कौन नंगे लोग हैं जो यहाँ पर इधर घूम रहे हैं। तो आचार्य महाराज जी ने समझ लिया, स्थिति को भाप लिया, तुरंत उन्होंने पीछे से सुब्रत सागर जी महाराज जी को इशारा किया कि देखो स्थिति देखो, अपने को तुरंत यहाँ से निकलना है। तो वो सारे लोग सामने एकदम से, एक के हाथ में पत्थर था और तुरंत आचार्य जी ने उस सारे बहुत सारे सैकड़ों लोगों के मुखिया को देखा और सामने आते ही ऐसे हाथ कर दिया, मतलब ऐसे आशीर्वाद की मुद्रा दे दी। उसके हाथ से गुरु की वर्गणाओं का प्रभाव देखो, वो पत्थर नीचे छूट गया और दोनों हाथ जुड़ गए। ये होता है तपस्या का प्रभाव। तपस्या का अर्थ ये नहीं है कि हम बैठ गए ध्यान कर लिया, ये भी तप का एक माध्यम है, लेकिन इंद्रिय विजय अपनी आत्मा की पवित्रता ज्ञान की साधना के द्वारा जो जिन शासन की प्रभावना में उद्योतन है वो भी तप है। अब वो दोनों भाई, अब आचार्य जी के सामने से वो दोनों, वो सारे उपद्रवी तो निकल गए। आचार्य जी ने इशारा किया सारे संघों की, चलो निकलो, और सारा संघ निकल करके मंदिर में प्रवेश कर लिया। अब देखना कि वो सारे के सारे उपद्रवी शांत हो गए। अब वापस वहाँ से निकल गए आचार्य श्री। बाद में मालूम चला कि उन्होंने किसी जैन बंधु के साथ कुछ घटना हो गई। अब पुलिस आई आचार्य श्री के पास, तब तक आचार्य श्री अगले गांव पहुँच गए थे और बोला कि हमने उन उपद्रवी को गिरफ्तार कर लिया है, आप बताइए कि उन्हें क्या सजा दी जाए। तब आचार्य श्री ने कहा कि देखो अगर तुम इनका भला चाहते हो तो उन्हें समझा देना और उन्हें छोड़ देना। वो बोलने लगे कि अरे आप उनको छोड़ने की बात कर रहे हो, हम तो उन्हें 14 दिन का रिमांड देने के लिए आए। बोले नहीं, अपने को, हम जैन हैं, अहिंसक हैं, हम अपनी चर्या से उन्हें प्रभावित करेंगे। ये गुरु की महिमा है कि नास्तिक भी आस्तिक बन जाते हैं। इसी तरह वो दोनों भाई शुभचंद्र और भर्तहरि, एक तो तापसी के पास पहुंचा और दूसरा दिगंबर मुनिराज के चरणों में। उस 12 साल की तपस्या में उस एक भाई ने सोना बनाने की एक रसायन सिद्ध कर लिया और वो रसायन उसने
अब उसने पता किया कि मेरा भाई भर्तरी क्या कर रहा है, तो उसे पता चला कि वो तो किसी नंगे बाबा के साथ में हो गया है और एकदम गरीब हो गया है, उसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। आपको यहाँ मंच पे विराजे मुनिराज गरीब लगते हैं क्या? इनके पास रत्नत्र की निधियां हैं, जैसे कोई मामा, ये मामा देखो कहीं भी बैठे हो तो इन्हें देखकर लोग हंसते हैं, है ना, इतना इनका प्रभाव है। लेकिन अंदर ही अंदर बैठे और ये मुस्कुराते हैं कि देखो मेरा भांजा आज पूरे देश को जैन धर्म की प्रभावना कर रहा है। बाहर से उदासीन दिखे, बाहर से उदासीन दिखे, कोई भी इन्हें सामान्य पुरुष समझे, लेकिन अंदर में इनके विचार चल रहा है। क्या विचार चल रहा है कि देखो आज जिन शासन की क्या प्रभावना हो रही है। तो ये सुखी है कि दुखी है? बाहर से भले आपको शांत दिखेंगे लेकिन अंदर उनके सुख चल रहा है। ऐसे ही दिगंबर मुनिराज योगेश भैया, बाहर से आपको ऐसे ही लगेंगे सामान्य पतले दुबले शरीर वाले, कोई तपस्या से विहार से हो सकता है आकुलित हो, लेकिन इनके अंतरंग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की रत्नत्र, तीन तीन रत्न की रत्नों का आनंद ले रहे हैं। ये आप सब सेठों से भी बड़े सेठ हैं। तो वो मांत्रिक ने वो रसायन सिद्ध किया और एक अपने त्यागी के साथ उनके पास भेजा, शुभचंद्र के पास, शुभचंद्र स्वामी के पास। आचार्य भगवान ने वो देखा और क्या किया, उस लोटे को धीरे से ऐसे कर दिया, एक पास में एक चट्टान रखी थी उसके ऊपर उडेल दिया। तो उसने उस उनके शिष्य ने, तापसी के शिष्य ने अपने गुरु के पास जाके बोला कि आपके भैया कैसे हैं, हम तो उनकी गरीबी देख करके उन पर करुणा करके उन्हें वो रसायन देने लग गए कि आप इससे सोना बना लेना और आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन उन्होंने तो वो उड़ेल दिया। तो वो तापसी सोचता है कि कोई बात नहीं, चलो मैं खुद ही इस बार जाऊंगा और मेरे पास जो बचा हुआ है रसायन वो लेके जाता हूँ। वो उसे लेकर के गए और उनके सामने रखा और कहा, भैया देखो मुझे तो किसी मांत्रिक का सानिध्य मिला, तो मैं आज 12 साल की तपस्या से सोना बनाने का रसायन ले लिया, तुम इसे ले लो और तुम अपनी गरीबी दूर करो। तो आचार्य महाराज ने अपना ध्यान खोला और उस तापसी की ओर देखा। आचार्य महाराज के चेहरे पर स्मित मुस्कान थी, प्रसन्ना, दिगंबर थे लेकिन इनके अंतरंग में सौम्य स्मित आत्मा का आनंद भरा हुआ था। उन्होंने फिर से वही कलश एक चट्टान के ऊपर डाल दिया। तो अब तो वो थोड़ा सा परेशान हो गया तापसी, बोले मेरी पूरी 12 साल की तपस्या आपने वेस्ट कर दी। अब वो आचार्य महाराज शुभचंद्र स्वामी पूछते हैं कि अच्छा 12 साल में तुमने ये रसायन सिद्ध किया, उससे क्या होगा? कि वो बोले उससे सोना बनेगा। तो वो बोल रहे कि यदि तुम सोना बनाने के लिए तुमने तपस्वी का भेष बनाया तो फिर तुम्हारे अपने घर में, अपने राजमहल में, दोनों ही राजा के बेटे थे, वहां पर क्या सोना चांदी की कमी थी? तो आचार्य महाराज ने कहा कि जो तुम 12 साल में सिद्ध किए ये तो बहुत सामान्य बात है। उन्होंने तुरंत एक चुटकी धूल उठाई और पास के उसी शिला पर जहाँ पे वो रसायन फेंका था, पास में दूसरी शिला थी, उस शिला पर उन्होंने वो धूल फेंक दी तो वो पूरी की पूरी शिला सोना बन गई। ये होता है दिगंबर मुनि का प्रभाव, तपस्या का प्रभाव। आचार्य भगवान वस्तुत्व महाकाव्य में लिखते हैं, यमी यम पालक भदंत दंती दमन करता स्वात्म तत्व से समता में रमता स्वतंत्र। कैसा
आपको ये सब परतंत्र दिखते हैं कि स्वतंत्र? पहाड़े जी, आपके यहाँ जो आटा बनता है वो रोटी आटा जो है किसी माँ के घर में चला जाए और वो फुलका बन जाता है, तब क्या होता है? वो फुलके को दो भाग होते कि नहीं होते? वो कच्ची लोई, कच्चा आटा को दो भाग कर सकते हैं क्या? लेकिन उसको जब तपाया तो क्या हुआ? वर्धमान वही कच्चा आटा तप करके दो भागों में हो जाता है। ऐसे ही दिगंबर मुनिराज तपस्या के माध्यम से पहले बहिरात्मा से अंतरात्मा हुए और तपस्या तप करके कर्म और आत्मा ये दो भाग पृथक कर करके स्वतंत्र शुद्धात्मा का आनंद लेते हैं। तो इसी तरह हम सभी तप के दिन यही भावना कामना करते हैं आचार्य जी के चरणों में कि हमारा रत्नत्रय व्रत महाव्रत उज्ज्वलता को प्राप्त हो। नमोस्तु आचार्य जी। बहुत सुंदर, अद्भुत अद्भुत शैली पूज्य गुरुदेव सद्भाव सागर महाराज जी की, वो अद्भुत शैली अद्भुत अंदाज में उन्होंने तप को समझाया, तप क्या है। अब हम और आप चलेंगे सीधे गुरुदेव के श्री चरणों में, आचार्य भगवंत के श्री चरणों में। नरेन नरेन माइक लगाओ माइक, और हम और आप चलेंगे सीधे गुरु चरणों में कि गुरुदेव अपने श्रीमुख से धर्म का उपदेश देकर सरमार्गित करें। सब लोग हाथ जोड़ेंगे, एक बार सारे लोग हाथ जोड़ें और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु। हे गुरुदेव अपने श्रीमुख से धर्म का उपदेश देकर हमें सरमार्गित करें। पूज गुरुदेव आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान।